यम्मी रेसिपीज के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो डिलाइट। मैंगो डिलाइट तो ऐसे तुर्कीश डिश है, पर हम इसमें थोड़ा सा चेंजेज करके ऐसा बनाएंगे कि जैसे अपन लोगों को, इंडियन लोगों को ये बहुत स्वादिष्ट लगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मैंगो डिलाइट। इसके लिए हम पैन में मावा गर्म करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1 कप मावा पैन में डालेंगे। मावा की रेसिपी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये हमारे घर पे ही बनाया हुआ मावा है। थोड़ी देर मावा को सुखा देते हैं। मावा लगभग सूख गया है। अभी इसमें 1 कप मैंगो पल्प डाल देते हैं। हमने ऑलरेडी मैंगो को काट के उसका पल्प निकाल लिया है। ये करीब 2 अल्फेंसो मैंगो का पल्प है। और इसमें 3/4 कप शक्कर डाल देते हैं। मैंगो पल्प और शक्कर वगैरह को एक साथ पकाएंगे। जब तक ये पकता है, हम अगर अगर का मिश्रण तैयार कर देते हैं। अगर अगर को डिजोल्व करने के लिए, इसके लिए हम बॉल में 4 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं। अभी इसमें 2.5 टेबल स्पून अगर अगर पाउडर मिक्स करते हैं। अगर अगर पाउडर है, इस बहुत ही धीरे धीरे मिक्स करना है और अच्छी तरह से हिलाते हुए मिक्स करना है। नहीं तो इसकी गांठें बन जाती है और वो गांठें फिर टूटती नहीं है। थोड़ा पानी और डालते हैं। करीब 2 टेबल स्पून पानी और डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। 2 टेबल स्पून पानी और डालना पड़ेगा। ऐसे करके करीब 1/3 कप पानी डाल दिया है इसमें। अभी इसमें 1/2 टेबल स्पून अगर अगर और मिक्स कर देते हैं। टोटल 2.5 टेबल स्पून अगर पाउडर इसमें मिक्स कर दिया है। अगर अगर अच्छी तरह से डिजोल्व हो गया है, अब ये इसमें डालने के लिए तैयार है। अपना ये भी काफ़ी गर्म हो गया है, पेस्ट सूख रहा है। अभी इस मैंगो के पल्प और शक्कर के साथ में ये अगर अगर का मिक्सचर डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसको करीब अगर अगर के पेस्ट को और मैंगो के पेस्ट को अपने को कम से कम 5 मिनट तक बॉईल करना है। 5 मिनट तक अपन मैंगो और इसके पल्प को अपन गर्म करेंगे तो मैंगो के एंजाइम्स वो ख़त्म हो जाएंगे। नहीं तो मैंगो के एंजाइम्स हैं वो अगर अगर को जमने नहीं देगा, इसकी जेली बनने नहीं देगा। जब तक ये गर्म हो रहा है, तब तक हम कॉर्नफ्लोर पाउडर को भी पानी में मिक्स करके ले लेते हैं। इसके लिए हम 1/2 कप पानी ले लेते हैं। ये 1/4 कप है, एक और ये 1/2 कप हो गया। ये इसमें पानी डाल देते हैं। मेन टाइम जो अपना पेस्ट गर्म हो रहा है उसको भी हिलाते रहेंगे। इसमें अभी 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है वो पानी में ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से डिजोल्व कर लेंगे। ये डिजोल्व हो गया है। मैंगो पल्प और ये सब गर्म होने को करीब 4-5 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज में अभी अपन कॉर्नफ्लोर जो मिक्सर बनाया था पानी में, वो मिक्सर इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से डिजोल्व करके हिला के डालते हैं ताकि नीचे कोई जमा हुआ नहीं रह जाए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब इसको 4-5 मिनट और पकाते हैं, उसके बाद में इसको जमाना रख देंगे। इसको जमाने के लिए हमने स्क्वायर बॉल लिया है। इस स्क्वायर बॉल में थोड़ा पानी लगा देंगे
ताकि ये इसके ऊपर जम चिपकाया नहीं। तो हमने इसके ऊपर सब जगह पानी लगा देते हैं, ऐसा करके पानी लगा दिया। अभी जो हमारा पेस्ट बनके तैयार हुआ है, ये पेस्ट इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं और पेस्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको यूनिफॉर्मली फैला देते हैं और फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। रूम टेम्परेचर पे इसको करीब 5-6 घंटे इसको ठंडा करने पड़ेगा, तब ये पूरा जम के निकल जाएगा। करीब 5 घंटे हो गए हैं और देख लेते हैं ये कैसा जमा है। अच्छा, जम गया है। इसको अभी काट लेते हैं। अपन कोई भी शेप में काट सकते हैं, हम इसको स्क्वायर शेप में ही काटेंगे। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का पाउडर है वो लगा देते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं। आप देख सकते हैं इससे इसका शो थोड़ा बढ़ गया है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। मैंगो डिलाइट बनके तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इसमें जो मैंगो का टेस्ट है बहुत अच्छा आया है और इसके साथ ही जो अपन ने खोआ डाला था या जो मावा डाला था उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। दोनों का कंबाइंड टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी इसे अपने घर में ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें और इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।